फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय किचन। कैसे हो आप लोग? तो आज की रेसिपी है हमारी पाव भाजी। तो पाव भाजी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए वो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए देखते हैं सामान क्या क्या चाहिए, वो इस प्रकार से है। 2 बड़े प्याज, हरी मिर्च, गार्लिक, जिंजर, कैप्सिकम बारीक काट लेना है, 1 कैप्सिकम को। 4 टमाटर, बीट रूट डालने से पाव भाजी में हमारी कलर बड़ा अच्छा आता है, इसलिए बीट रूट जरूर डालना चाहिए। पत्ता गोभी थोड़ा सा, गाजर, बीन्स, फूल गोभी, 2 आलू मैंने मीडियम साइज के काट लिए हैं, और ये हरी मटर। और मसाले में हमें चाहिए धनिया पाउडर, जीरा, कसूरी मेथी, 2 बड़े चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल है, बटर, नमक, मिर्च पाउडर, और ये पाव भाजी मसाला। ये सारी सामग्री को हमें इकट्ठा करके रखना है, और प्याज और टमाटर को हमें बारीक बारीक काट लेना। अभी हम चलते हैं पहले पाव भाजी के जो सब्जियां को हमें उबालना है उसको कुकर में पहले चढ़ाएंगे। इसके लिए हमें गैस जला देते हैं और इस पे रखेंगे कुकर। आंच को थोड़ा कम कर लेना है। और इसमें हम डालेंगे अभी एक बड़ा चम्मच के जितना रिफाइंड ऑयल। थोड़ा सा गर्म हो जाए हल्का, फिर इसमें हम डालेंगे तेल। हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम सब्जियों को डालेंगे। सबसे पहले बीट रूट, आलू, गोभी, पत्ता गोभी डालेंगे, बीन्स, सारी सब्जियों को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना नमक। लास्ट में इसमें डालेंगे हम 1 कप जितना पानी, ताकि हमारी सब्जी अच्छे से उबल जाए। अब लगाएंगे हम इसमें ढक्कन। अब फ्लेम को करेंगे तेज। तेज फ्लेम पे हम इसको 2 से 3 सीटी बजेगी, उसके बाद में इसमें फ्लेम को कम कर देंगे और 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच पे इसको पकाएंगे, ताकि सब्जी अच्छे से मैश हो जाए, उबल जाए।
सकता हूँ। प्याज और टमाटर को बारीक बारीक काट लेंगे। दो सीटी बज चुकी है, गैस को थोड़ा कम कर देंगे, गैस का फ्लेम कम करेंगे। प्याज को मैंने बारीक काट लिया हुआ है और टमाटर का अभी हम बनाएंगे प्यूरी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाएंगे अभी। जिंजर गार्लिक को डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पीस लेंगे। ये मैंने जिंजर गार्लिक पीस किया है और दरदरे पीसेंगे। बर्तन में निकाल लेंगे। टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है इस तरीके से और उसी मिक्सी जार में डाल के और इसको पीस लेंगे। टमाटर की प्यूरी तैयार हो गई है। सब्जी हमारी लगभग पक चुकी है, अभी हम गैस को कर देंगे बंद। गैस निकलने तक इसको ठंडा होने देते हैं। कुकर ठंडा हो रहा है तब से इधर हम एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे, गैस चलाएंगे और बड़ी कढ़ाई लेंगे, इसमें हम तड़का लगाएंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब है। और उसमें डालेंगे हम बटर। बटर अच्छे से पिघल जाए, रिफाइंड हम इसलिए डालते हैं ताकि बटर जल ना जाए। अगर बटर इसलिए डालेंगे तो सब जल जाता है, इसलिए हमें रिफाइंड जरूर डालना चाहिए बटर के साथ में थोड़ा सा। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा हमारा, और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च जो हमने बारीक काट के रखी हुई थी। और इसके बाद प्याज, प्याज हमारा जब तक पक रहा है तब तक आप आइए देखते हैं कुकर का सब्जी।
सब्जी हमारी चुकी है। सब्जी को हम मैशर की सहायता से इसको अच्छे से मैश करेंगे, दबा दबा के जितना हो सके इसे सारी सब्जी को मैश कर देंगे। देखते हैं हमारा प्याज लगभग पक चुका है, अभी इसमें डालेंगे तो बारीक काट के मैं रखा था शिमला मिर्च। इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, नमक क्योंकि हमने बॉयल करते टाइम सब्जी में भी डाला था, इसे ज़्यादा नहीं डालेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। शिमला मिर्च भी लगभग पकी चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने टमाटो प्यूरी बनाया था। बारीक बारीक करके सारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे चिली पाउडर, और फिर करीब 2 चम्मच लगभग बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला। धनिया पाउडर हमने बना के रखा हुआ था, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसलिए पाव भाजी में डालना जरूर चाहिए। अब इसमें मटर डालेंगे, सब्जियां रखी हैं उसको अच्छे से मैश करते हैं, फिर इसमें ऐड करेंगे। मसाले हमारे लगभग पक चुके हैं, साइड साइड से तेल छोड़ रहा है तो समझ लीजिए मसाला पक चुका है।
अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी, उसे इस तरीके से मैश किया हुआ है। इसमें करीब थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। करीब हम 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे इसको। अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ा सा करके। हमारी भाजी बनके तैयार है, इतना प्यारा कलर आया हुआ है। इसमें थोड़ा सा हम धनिया पत्ते डालेंगे और फिर इसे हम सर्व करेंगे। भाजी बनके तैयार है, पाव के साथ सर्व करेंगे। गैस कर देंगे बंद, तैयार है हमारी पाव। तैयार है हमारी पाव भाजी, कैसे लगा फ्रेंड्स प्लीज़ बताइएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके थैंक यू, बाय बाय।